हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कैसे किसी भी फाइल या फोल्डर को हाइड और शो किया जाता है, क्या इसके लिए स्टेप है। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि कैसे कोई फोल्डर हो या कोई फाइल हो उसको हाइड, मतलब कैसे पासवर्ड प्रोटेक्ट किया जाता है जिससे आगे चल के फ्यूचर में कोई उसका इस्तेमाल करे तो बिना पासवर्ड का उसका इस्तेमाल ना कर पाए। लेकिन सवाल यह है कि सर, अगर मान लीजिए वो दिख रहा है तो पासवर्ड लगा रहा है, ठीक है, या ओपन कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, अगर उसको हम छुपा ही दे, सामने ना दिखाएं, तो ना उस पर क्लिक करेगा, ठीक है, ना ओपन करके देखेगा और ना बार बार पासवर्ड रिक्वायर मांगेगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा पार्टिकुलर आपको लग रहा है फाइल है, कोई ऐसा पार्टिकुलर लग रहा है फोल्डर है, और उसको हाइड करना चाहते हो, छुपाना चाहते हो कि जो कंप्यूटर अगर कोई खोलता है तो स्क्रीन पे दिखे ही ना, ठीक है ना, वो स्क्रीन पे दिखे ही ना कि हमने कुछ बनाया है, तो कैसे हटाते हैं वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, जानेंगे। हाँ, हाइड करने के बाद से शो करना भी सीखेंगे। इसके दो तरीके सीखेंगे, आपको जो अच्छा लगे वो इस्तेमाल करना, ठीक है। बोलो, आज हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा तरीका सीखेंगे हाइड करने का और एक कमांड से हाइड करने का सीखेंगे जिससे आप आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकोगे और फ्यूचर में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करोगे। चलिए देखते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया है, एक कोई डाटा हमने बना के रखा है, जैसे यही वाला है जो बीसीए के बारे में आपको बताया गया था, दिख रहा आपको ना। मैं सोच रहा हूँ ये सामने दिखे ही ना कि दूसरा कोई इस्तेमाल करके इसका नकल करे या फोटो क्लिप करे और इससे किसी को समझाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान देना, डेस्कटॉप पे नहीं होना चाहिए या किसी ड्राइव में होना चाहिए। तो हम इसको लाएंगे कहाँ पे, कट करेंगे, जिस पीसी में जाएंगे, या तो सी ड्राइव में या तो डी ड्राइव में। तो सबसे अच्छा है डी ड्राइव। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, और एक बना लेते हैं फोटो। क्या फोटो, क्लियर है बाबू? अब इसमें क्या करेंगे, ओपन करेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब बीसीए का फोटो आ गया। अब जब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि हम क्या बता रहे हैं, क्या यहाँ पे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। मैं सोच रहा हूँ ये दिखे ही ना। एक तो तरीका है, पासवर्ड लगा दोगे तो जब खोलेगा तो पासवर्ड मांगा जाएगा। हम सोच रहे हैं पासवर्ड भी लगा दें और हाइड भी कर दें, दोनों कर सकते हो। या मैं सोच रहा हूँ हाइड ही केवल कर दो, पासवर्ड लगाने की रिक्वायरमेंट ना हो। तो कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, उसी फोल्डर पे आपको राइट क्लिक करना होगा। क्या करना होगा जी, उसी फोल्डर पे राइट क्लिक करना होगा। अब राइट क्लिक करने के बाद से इसके प्रॉपर्टीज पे आना होगा। अब देखो प्रॉपर्टीज कहाँ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। तो जब नीचे आएंगे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, दिख रहा है बाबू? अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ध्यान दो, या इसका लोकेशन क्या है, देखो डी ड्राइव में है। और देखो डी कॉलन स्लैश, और इसका ये बताया जा रहा है कि डी ड्राइव में। अब ये किस नाम से है, यह फोटो के नाम से है, और इसका साइज बताया जा रहा है। तो देखो यहीं पे का ऑप्शन दिया हिडन, दिख रहा है आपको? तो बस हिडन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद से अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने बाद से ओके करेंगे और फिर से ओके कर देंगे। फिर भी देखो यहां से हाइड नहीं हुआ है। देखो यहां से तो हाइड तो कर दिया, अभी हाइड नहीं हुआ है, मतलब इसके प्रॉपर्टी से पूरा हाइड कर दिया हूं फिर भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो इसका मेन जो कंट्रोल है, कंट्रोल पैनल के अंदर होता है, और वहां से अगर सो हिडन एंड फाइल एंड फोल्डर होगा तो कितना हूं यहाँ से हाइड करेंगे, हाइड नहीं होगा। तो कंट्रोल पैनल से, ठीक है, वहां पे लग रहा है इनेबल किया गया है सो हिडन एंड फाइल एंड फोल्डर, मतलब कोई फाइल या कोई फोल्डर हाइड किया गया होगा, फिर भी हमने बताया शो हो जाए, शो करके दिखे, इसीलिए यहाँ पे शो हो रहा है।
चलो वहां से सेटिंग हटाते हैं पहले, कहां से? कंट्रोल पैनल से। तो विंडो प्लस आर और लिखेंगे कंट्रोल, दिख रहा आपको? और कंट्रोल पे आने के बाद से यहां पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई देगा, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, दिख रहा है? फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, इस पे क्लिक करना होगा। और इस पे क्लिक करने के बाद से यही पे ऑप्शन देगा व्यू, व्यू पे आना होगा। और व्यू पे आने के बाद से देखो यही पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हिडेन फाइल एंड फोल्डर। और देखो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट क्या चेक है, शो हिडन फाइल एंड फोल्डर, इसलिए वहां से हटाने के बाद भी शो हो रहा है, क्योंकि मेन कंट्रोलिंग यही से इसका फाइल का है। ठीक है, देखो लिख रहा है ना फोल्डर व्यू। अब ये कंट्रोलर ही कह दिया नहीं, भले ही हाइड कर दे, मुझे शो कराना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे शो होगा, इसीलिए मैंने बोला नहीं सर नहीं शो कराना है, तो बता दिया डोंट शो हिडन इन फाइल एंड फोल्डर। और क्लिक करके अप्लाई, ओके। तो लगा दिया। अब इतना करने के बाद से चलिए देखते हैं क्या वहां पे है। छुप गया ना, मतलब ध्यान देना, अगर आप भी हाइड करना तो आप लोग देख लेना, अगर नहीं हाइड हो रहा तो कहाँ जाना, कंट्रोल पैनल में, वहां से जाके हाइड कर देना। मतलब यहां से तो करना पड़ेगा, जब तक प्रॉपर्टी से उसके नहीं करोगे ना तब तक होने वाला नहीं है, ध्यान देना। तो मैंने आपको बताया, चलो एक न्यू के नाम से देखो एक फोल्डर बना है, दिख रहा है? इसको भी छुपाना है, तो देखो अब छुपाएंगे तो अपने आप छुप जाएगा, वहां नहीं जाना होगा क्योंकि वहां शो कर दिया है, मतलब हाइड कर दिया। राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, समझे? कर दिया हिडन, अप्लाई, ओके ओके। हो गया ना, मतलब वहां पे जो सेटिंग जैसा रहेगा उसी हिसाब से काम करेगा वो, कर ले जाएंगे। चलिए हाँ, प्रॉपर्टी जाने में, प्रॉपर्टी में जाने के लिए शॉर्टकट भी होता है, ये मतलब प्रिया लिखा है यहाँ पे, इनके प्रॉपर्टीज में जाना हमको, तो बस क्लिक और अल्ट के साथ इंटर लिख लो। अल्ट इंटर, किसी फाइल या फोल्डर का प्रॉपर्टीज देखना है तो अल्ट इंटर दबा देंगे तो भी आ जाएगा, राइट क्लिक नहीं करना पड़ेगा। हो जाएगा बाबू। चलिए तो यह मैंने आपको बताया एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कहाँ कहाँ जाएंगे और आप लोग कर लेंगे। तो चलो पहले लिख लीजिए जो स्टेप लिखे हो आप लोग, उसके बाद हम आगे बताएं। चलिए हाइड जो हमने किया है फोल्डर, अगर उसको हमको लाना है फिर से दोबारा, तो उसके लिए कहाँ जाएंगे वह स्टेप सीख लेते हैं। फिर उसके लिए स्टेप है कंट्रोल पैनल में जाएंगे, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में जाएंगे, व्यू में जाएंगे, और जो यहाँ पे डोंट शो हिडन इन फाइल फोल्डर है उसको कर देंगे शो हिडन फाइल एंड फोल्डर, अप्लाई, ओके। और जैसे यहाँ पे जहां पे रखा उन्हें वहां पे आएंगे तो आ जाएगा, देखो न्यू भी आ गया, फोटो वाला भी आ गया, प्रिया, तीनों फोल्डर अपने आप एक बार में आ गया। लेकिन सवाल यहाँ पे यह बनता है, अगर मान लीजिए सर तीन तो हमने तीन बार में किया है, बोलो तीन फोल्डर हमने तीन बार में हाइड किया है लेकिन शो तो एक ही बार में हो गया है, ठीक है ना? तो इसमें यहां से अगर आप करते हैं तो कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आप लोग क्या कर लो, एक एक करके तो आप लोग हाइड करते हो लेकिन एक एक करके शो नहीं करा सकते। ऐसा नहीं कि जो पहले शो कराया था मतलब हाइड किया था तो पहली बार में आ जाएगा, फिर से दूसरा बार क्लिक करेंगे दूसरी बार में आ जाएगा, फिर से तीसरा बार क्लिक करेंगे तीसरी बार में आ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है कि हम लोग जितना बार हाइड किए उतना बार धीरे धीरे शो कराएं, किससे
नॉर्मल तरीके से, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कमांड का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो उसके सहारे आप लोग उसको हाइड कर सकते हो, जिसको चाहोगे उसको हाइड कर सकते हो, जिसको चाहोगे उसको शो करा सकते हो। नहीं, उसके लिए कमांड टाइप करना पड़ेगा, मैंने बोला है ना, उसके लिए पूरा कमांड, जैसे हम जाके क्लिक कर रहे हैं, जाके क्लिक करने बस क्या कर रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, कंट्रोल पैनल में जा रहे हैं, फाइल एक्सप्लोरर में जा रहे हैं, उसमें कुछ नहीं दिखेगा, मैंने पहले ही बताया था आपको। वो कमांड प्रोमोट से काम होगा, मतलब कमांड के सारे थोड़ा बहुत काम करना होता है ना, उसे बोलते हैं कमांड प्रोमोट, जिसे बोलते हैं CMD। क्या बोलते हैं? CMD, ठीक है। मतलब जब तक CMD टाइप नहीं करेंगे तो तक कमांड प्रोमोट हमारा ओपन नहीं होगा, और हम कोड कोई टाइप नहीं कर सकते हैं, ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसी बहाने, ठीक है, हम लोग इसको हाइड करना सीखते हैं और इसको हम शो करना सीखते हैं। मतलब क्यों पढ़ा रहा हूँ, वो सुना रहा है, मतलब इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एक बार में जो शो हो रहा है वो एक बार में हम शो ना होने दें, क्योंकि हाइड करने का प्रोसेस तो सबसे इजी यही है कि राइट क्लिक कर दो, हिडन कर दो, हो गया। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, शो कराते समय दस तो हमने हाइड किया है, और जब शो कराते तो शो हाइड शो हो जा रहा है। एक उससे फायदा यह होगा कि जितना हम हाइड किए हैं उतना जब जब चाहेंगे जिसको चाहेंगे वही शो होगा, दूसरा कोई शो नहीं होगा। मतलब हाइड करने का तरीका तो यह बहुत ईजी है, लेकिन शो कराते समय थोड़ा ड्रॉबैक यही है कि जितना हाइड करते हैं सब एक बार में आ जाता है, ठीक है, और कोई भी जाकर शो करा सकता है। दूसरा ड्रॉबैक यह है, कोई भी जाकर शो करा सकता है, मतलब हम हैं आप तुम हो, कोई भी जाओगे, कोई जाएगा, कितना हाइड किया नहीं पता चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, जाएगा शो हिडन एंड फाइल फोल्डर क्लिक करेगा सब शो हो जाएगा, उसको पता भी नहीं क्या क्या हाइड है, फिर भी शो हो जाएगा पूरा। ये दूसरा ड्रॉबैक है, लेकिन वही हम कमांड प्रोमोट से करते हैं, CMD से करते तो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ उस फाइल का क्या नाम था, ठीक है, मैं ही जानता हूँ, मैंने हाइड किया है, ठीक है, और दूसरे किसी को नहीं बताया है, तो दूसरा कोई जब तक आएगा नहीं, वो नाम नहीं लिखेगा, तो सोचो पासवर्ड है वो, जब तो वो लिखेगा नहीं तो खुलेगा नहीं, आएगा ही, ठीक है। कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं एक एक करके स्टेप, लिखना मत पहले, आप लोग इसको समझ लो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, लिखवा दूंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको दबाना है विंडो प्लस आर, क्या दबाना है, विंडो प्लस आर, और लिखना है CMD, क्या टाइप करना है, CMD, ओके करेंगे। ओके करते ही देखिए हमारा यहाँ पे कमांड प्रोमोट ओपन हो गया। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, फाइल को हाइड करने के लिए कमांड देना पड़ता है, क्या देता होता है, कमांड। अब देखो माउस सब कुछ नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है, बस टाइप करेंगे AttRIP, एट्रीव, मतलब यह फाइल को ये कंट्रोल करता है, ये कमांड है, इसी कमांड को हम रन कराते हैं, तो लिखा AttRIP, क्लियर है सबको। स्पेस देंगे, क्या देंगे, स्पेस देंगे, मतलब स्पेस का भी अगर अंतर हो जाए तो भी काम नहीं करेगा, और लिखेंगे प्लस एच, समझे, स्पेस दबाएंगे प्लस यस, स्पेस दबाएंगे प्लस आर, स्पेस दबाएंगे, इतना क्लियर सबको। और रिकॉर्ड होगा नहीं, चलिए कहां पर रखा हमने, दिस पीसी में, इसी न्यू वाले को हमको हटाना है, समझे, न्यू वाले को हटाना है, देखो कैसे हटा रहा हूं, आ जाऊंगा फिर से यहीं पे, और आने के बाद स्पेस देना है, दे दिया है ना, अब लिखेंगे डबल इनवर्टेड कॉमा लगाएंगे, और उसमें हमको लिखना है डी, मतलब डी मतलब डी ड्राइव कॉलन, अभी नहीं लिखा था, डी कॉलन स्लैश वही बताया हूँ, कॉलन लगाएंगे और स्लैश लगाएंगे, डी कॉलन, क्या लिखा, डी कॉलन के बाद स्लैश लगाया, और स्लैश लगाने के बाद से हमको करना क्या है, किस नाम से फोल्डर है यह, न्यू, तो जैसा लिखा वैसे लिखना आप, न्यू और डब्ल्यू कॉमा क्लोज, और दबाएंगे इंटर, क्या दबाएंगे, इंटर। अब इसको मिनिमाइज कर लेंगे,
यहाँ पे दिख रहा है ना, बोलो। अब आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे, आ गया, गायब हो गया। ठीक है, मतलब ये तो न्यू चैप्टर अलग है ना, मतलब हाइड हो गया। तो आप बताओ, मैं आपको आज बताया हूं तो आपको पता है ना कि जो हाइड किया उसका नाम क्या है, न्यू है। लेकिन मैंने ही कुछ बनाया तो कोई जानता नहीं, मैंने ही हाइड किया है। जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक तो शो करा लोगे क्या? नहीं करा पाओगे। आपको सर कहां से वहां पे जाइए थोड़ा शो कराइए तो नहीं होगा। आप आइए पहले तो शो तो है ही कमांड से ना जी। अरे कंट्रोल पहले से तो पहले से है, अगर विंडो प्लस आर दबाइए आप और उसके बाद से आज ही कंट्रोल पैनल लिखिए, और कंट्रोल पैनल में आने के बाद से फाइल एंड एक्सप्लोरर पे आते हैं, व्यू पे आते हैं, तो पहले से शो है, फिर भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो दो इससे फायदा है। एक, हर कोई उसको नहीं ला सकता, पहले कमांड उसको याद होना चाहिए, एक एक स्पेस के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ स्पेस लगाना है, कहाँ लगाना है, क्या लगाना है, सब कुछ पता भी चल जाता है। उसको भी हटाना लगाना आता है, फिर भी वो नाम याद होना चाहिए जिस नाम से हमने उसको रखा है। ठीक है, तो समझो एक पास, हाँ कैसे भूल जाएगा कि ये इतना है। हम लोग फोन में पासवर्ड लगा दिए, भूल गए तो ना चलाओ तो फोन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लिख लिया आप। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ठीक है कि आपको भूल जाता है, एक कॉपी वॉपी बना कर रख लीजिए और किसके लिए क्या कमांड दिए थे लिख लीजिए, इसका यह था, इसका यह था, इसका यह था, या फोन में कहीं टाइप करके रख लीजिए, आगे चल के फ्यूचर में भूल जाए तो उसका इस्तेमाल करें। मतलब भूल गए तो कोई जुगाड़ नहीं है दूसरा लाने का। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा, वहां से तो है ऑप्शन, ला दिए जितना है सब एक बार शो हो गया, लेकिन उतना सिक्योरिटी पर्पस उतना अच्छा नहीं है, कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। समझे, क्लियर है? हाइड हो जाएगा तो लिख लो, ये कोड लिख लो पूरा। सबसे पहले फिर से विंडो प्लस आर दबाएंगे और टाइप करेंगे क्या, सीएमडी टाइप करेंगे, ओके करेंगे और लिखो AttRIB स्पेस, बोलो इसके बाद माइनस यस स्पेस माइनस यस माइनस, रुक जाओ देखें स्पेस हुआ है कि नहीं, माइनस आर इसे स्पेस, उसके बाद से जी उसमें डी कॉलन प्लस न्यू। हाँ, क्योंकि स्पेलिंग का भी दिक्कत हो जाता है, कई लोग स्मॉल लिख रहे थे, कैपिटल लिख देते, कैपिटल लिखते स्मॉल लिख देते, तभी नहीं आता है। हाँ, सब ध्यान देना होगा। उसको क्या दबाएंगे, इंटर। ठीक है बाबू, इंटर करते यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ गया। हाँ, जिसका कमांड नहीं काम करेगा ना तो कुछ एरर देगा, अब एरर पढ़ते रहिएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं कमांड दिया गलत दे दिया तो एरर कुछ ना कुछ देगा। अब उस कमांड के बारे में अच्छे से पढ़े हो जानते हो तो बताएगा, लेकिन सब लोग कमांड के बारे में नहीं जान पाते क्या है, कि उसके बारे में बोला था बहुत समझाया था, उसके लिए बहुत ज्यादा बाल वोल खेलोगे झड़ जाता है सीखते सीखते। ठीक है, मैंने आपको बताया था, हाईलाइट कर दिया, सेलेक्ट करके दिख रहा आपको ना सबको। चलिए पढ़ते हैं और इसको मिनिमाइज करते हैं और अपने डी ड्राइव में आते हैं, और डी ड्राइव में आने के बाद से देखो कहीं दिख नहीं रहा होगा, आ गया, बिना रिफ्रेश किए आ गया। ठीक है, चलिए अभी गैर था ना, सो हो गया। तो ऐसे जिसको जिसको करना है उसको आप क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, शो कर सकते हो। तो मैंने दोनों आज के क्लासेस में प्रोसेस बता दिया, बोलो। चलिए ठीक है तब, हाँ बहुत सिंपल है। हाँ, एक और तरीका सीख लो अभी, जैसे अगर मान लो अभी तक जब भी हम लोग न्यू फोल्डर बनाते थे आइकन चेंज करना बताया हो ना, हाँ तो ठीक है, तो प्रॉपर्टी लाना भी बता दिया हम लोग, स्टिकी नोट्स, ठीक है। चलिए पहले कमांड करिए आप लोग।